रुड़की में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम जाजू के काफिले की तलाशी लेना उस समय पुलिस अधिकारियों को भारी पड़ गया जब बीजेपी के तमाम नेताओं ने गंग नहर कोतवाली में धरना दे डाला। बीजेपी नेताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जोरदार हंगामा किया। दरअसल पुलिस को देहरादून से कॉल आई थी कि श्याम जाजू की गाड़ी में करोड़ों की रकम मौजूद है, लेकिन पुलिस अधिकारी इस फोन के आते ही शहर की सड़कों पर उतर गए और चेकिंग शुरू कर दी। जब श्याम जाजू की गाड़ी को रोका गया तो उसकी पूरी तलाशी ली गई, लेकिन श्याम जाजू की गाड़ी से पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा। सूत्रों का कहना है कि श्याम जाजू बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी के आवास पर पहुंचे थे, जहां पर हॉर्स ट्रेडिंग की संभावनाएं जताई जा रही है। बीजेपी नेताओं ने गंग नहर कोतवाली का घेराव जारी रखा। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू जी दिल्ली से आ रहे थे, अब किसी ने कोई सूचना दी 100 नंबर गाड़ी पे जो सूचना आई 100 नंबर ऐसे ऐसे कोई वो जा रहे हैं, क्या है कैसे है, क्या सूचना दी है उन्होंने, और पुलिस ने एकदम से उनको जो है रोक लिया, यहाँ उनकी तलाशी लाती रोका उनको, और कहना है कि शायद उनके साथ कुछ मिसबिहेव भी हुआ है, लेकिन खैर वो जब यहाँ से एसपी साहब गए, इनको बुलाया जब यहाँ से आपके पुलिस विभाग ने बता रहे कि मैंने उन्हें माफी भी मांगी उनसे और उनको वहाँ जाने दिया। सूचना पे आज ये चेकिंग की जा रही थी और इस पे जब चेक किया गया सूचना सही नहीं पाई गई तो हम लोगों द्वारा उनको जाने लिया गया। सूचना हॉर्स ट्रेडिंग से रिलेटेड थी कि साहब किस हॉर्स ट्रेडिंग के लिए कुछ पैसा लाया जा रहा है और गाड़ी का नंबर उसमें दिया गया था। जब यहाँ पर चेकिंग जब की जा रही थी तो ये पता हुआ कि उसमें जो कैंडिडेट है उस समय वो उसी में थे। जब गाड़ी चेक करेगी तो उसमें तो इस तरीके से कोई चीज़ नहीं पाएगी, तो उनको सबको समझाना था। चेकिंग इंस्पेक्टर गंगनहर द्वारा की जा रही थी और मैं फोर्स के वैसे भी चेकिंग की जा रही थी, इन जनरल कई गाड़ियों की चेकिंग थी, तो उसमें ये जब जानकारी में आया कि वो प्रदेश प्रभारी हैं तो उनको सबको सर्वे यहाँ से जान दिया गया। देवभूमि न्यूज़ के लिए रुड़की से दिलशाद खान की रिपोर्ट।